हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनने वाला ये सैंडविच, जो कि है पिज़्ज़ा सैंडविच। इसे हम घर पर बनाएंगे, घर की चीज़ों से ही बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन करके तैयार होगा ये सैंडविच। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने बच्चों को बना कर दीजिएगा। आपके बच्चे बाजार का खाना भूल जाएंगे। सैंडविच इसे आप घर पर ही बनाइए, घर की चीज़ों से बनाइए। और यहाँ पर हमने ये सारी वेजेस काट लेनी है जो इसमें डालनी है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होगी। और यहाँ पर हमने खीरा, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर ये सब हमने काट लेना है। बस यही डाला है हमने और बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनकर के तैयार हुई थी। और इन सभी वेजेस को हम एक बाउल में डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक का, आधा चम्मच डाला है काली मिर्ची का, एक चम्मच भर करके डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस का, एक चम्मच डालेंगे मेयोनीज का और एक चम्मच लिया है हमने यहाँ पर टोमेटो केचप का। और इन सबको मिक्स कर लेना है अच्छे से ताकि ये सॉसेस जो है वो आपस में सब्जियों में मिक्स हो जाए ये सारी। अब ये हमारा बैटर बन करके तैयार है जो हमने ब्रेड में भरना है। अब हम ब्रेड ली है, उसमें डाली है पिज़्ज़ा सॉस। इन्हें अच्छे तरह से लगा लेना है ब्रेड के। और साथ ही में इसमें डाला है हमने मेयोनीज़। मेयोनीज़ को भी हमने इस पर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है ब्रेड के ऊपर। अब हमने जो मिक्स किया हुआ था ये मिक्सचर डाल देंगे हम, इसमें भरना है अच्छे से। और इसके ऊपर डाल देंगे मोज़रेला चीज़ जो होती है वो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, वो इसके ऊपर अच्छे से लगा देनी है। और अब हमने इसको ब्रेड के साथ ढक देना है। अब हम इसको बनाएंगे सैंडविच मेकर में। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था सैंडविच मेकर, जो बहुत ही बढ़िया आया है। मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद आया ये सैंडविच मेकर। और इसमें थोड़ा हल्का सा हमने ऑयल लगाया था, वैसे तो ये नॉनस्टिक है पर हल्का सा मैंने इसमें ऑयल लगा दिया था दोनों तरफ। और इसमें ये सैंडविच हम 5 से 6 मिनट के लिए इसमें पकाएंगे, उलट पुलट कर लेंगे इसको दोनों तरफ से और ये हमारा सैंडविच बन करके तैयार हो जाएगा। अब हम इसे खोल लेंगे, हमारे 5 मिनट हो गए थे। और ये देखिए कितना अच्छा सैंडविच बन करके तैयार हुआ है। ये दोनों तरफ से ही बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ था। अब हम इसे कट करके भी दिखाएंगे आपको, ये अंदर से भी कितना ही टेस्टी है, जूसी सा बना था ये सैंडविच अंदर से, ये देखिए। बहुत ही टेस्टी बना था, इसे आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर।